लोगों को बताने का तरीका आ गया, और उस वक्त ये ध्यान में आ गया कि अरे लोगों को सीखना है, लेकिन सीखने के लिए जगह नहीं है, कहाँ सीखेंगे। एक तो कॉलेज जो है वो 4 साल है, अलग अलग छोटी छोटी कॉलेजेस ने कोर्सेज बनाए हैं, वो 30-35 दिन के हैं, सैटरडे सैटरडे। तो फिर हमने यहाँ पे हमारे एक छोटे छोटे कोर्सेज करना चालू किया। उसके पीछे भी एक थोड़ी सी कहानी ऐसी है कि हमारे यहाँ पे जो ऋषि क्षेत्री मैंने बताई, तो गोखले जी ने वो पढ़ी, बोले राजू दादा गणपति जो है वही है, तो क्या हम गणपति बनाएंगे? हम बोले बनाएंगे। तो हमने गणपति बनाया मिट्टी का, और वो काफ़ी मीडिया में मशहूर हो गया। तो जब वो पहले गणपति बनाया, तो यहाँ पे लोगों को मालूम न होते भी 300 लोग आए थे देखने को, और हमारा काम छोड़ के उनको मेहमान के करने में हमें दिन जाता था। अरे कैसे करते हो, और वो तो कभी मिलने वाला नहीं है, लेकिन उसके लिए दिन भेज। फिर हमने सोचा कि नहीं यार एग्रो टूरिज़्म कर लेंगे, तो एग्रो टूरिज़्म चालू हो गया। और ये मालूम पड़ गया कि लोगों को सिखाते सिखाते अरे उनको सीखने के लिए जगह नहीं है, फिर हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू हो गए। तो हमने जो अनुभव किया है, जिसमें हमें नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है, वो तरीका क्या है वो बताएंगे, तो धीरे धीरे लोग सीखने को आने लगे। जो लोग सीखने को आने लगे, तो हर एक कोई बंदा आता था, उसकी नई समस्या से मुझे और कुछ सीखने को मिलता था, आज भी मिलता है। और एक तो था कि 70% आप इधर से कंज्यूम कर रहे हो, 30% बाहर से ला रहे हैं। हाँ। अब अगर हम ये देखें कि आप जो इधर पे ग्रो कर रहे हैं, उसका कितना आप ले रहे हैं और कितना बाहर भेज रहे हैं? अभी इसमें हम लोग जो ग्रो कर रहे हैं, इसमें से अभी तक तो पहले आधा बेचते थे, आधा ओके, क्योंकि उतनी हमें ज़रूरत नहीं थी। अभी जो है हमारे पास टूरिज्म ज़्यादा है और सीखने के लिए लोग आते हैं, तो उनको भी लगता है कंजम्पशन बढ़ गया, कंजम्पशन डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ गया। हाँ। और फिर जो एक्सेस है वो आने वाला कस्टमर लेके जाता है। ओके। अरे वो यहाँ एक अच्छा चावल कहाँ मिलेगा, तो हमारे पास मिले तो उठा के वो 1-2 किलो लेके जाता है। ओके। तो उससे हमारा कस्टमर भी बन गया। ओके। हमें बेचने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ गई, तो उसको सिक्योर फूड मिल रहा है, हमको अच्छा दाम मिल रहा है। तो ऑटोमेटिकली दोनों की ज़रूरतें पूरी हो रही है। और फिर वो अगर उसको अच्छा लगेगा तो दूसरे को बता रहे वहाँ पे अच्छा है। तो अभी हमको पहले ज़माने में 10 साल पहले हमको बेचने को जाना पड़ता था, अभी लोग आके लेके जाते हैं। ओके। और आप 4 दोस्त हो तो आज बोलते अरे आज मैं जाऊँगा, अगले हफ्ते तू जाना। करेक्ट। तो अभी हमारा जो फ़िलहाल कल से चालू होगा, यानी 9 अक्टूबर से, वो है 164 प्रोग्राम। तो नॉर्मली 8-10 लोग हर प्रोग्राम को आके सीख के जाते हैं। तो इतने तो सीखने के बाद उसमें से 10% लोग फील्ड पे जाके वही काम कर रहे हैं, और वो अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं। तो ये जब झाड़ बढ़ने के बाद, वृक्ष बढ़ने के बाद, अभी हमारे और आगे के स्टेज आ गई है कि उसके ऊपर हम क्या क्लाइंबर छोड़ सकते हैं। उसमें फूड होगा, उसमें मेडिसिन होगा, उसमें सुगंध होगा, अलग अलग खुशबू, अलग अलग कलर के क्लाइंबर होंगे। तो हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और ये सब करने की वजह से बायोडाइवर्सिटी इन क्रॉप्स, तो उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी इन इंसेक्ट्स, फिर उसके साथ बायोडाइवर्सिटी इन रेप्टाइल्स, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी इन बर्ड्स। तो ये सब होते होते हमारे यहाँ पे फिर अलग अलग दोस्तों के वजह से कुछ जानकारी मिलने लगी कि अरे ये बढ़ गए, अरे ये अच्छा है, ये बुरा है। तो एक ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन चालू हो गई थी धरती मित्र पुरस्कार की। तो 2017 में हमने 2017 को हमने उसमें यूनिवर्सिटी ने बोला था आप आरजी करो, तो यूनिवर्सिटी का उसका कुछ वेटेज रहता था। तो कोकण यूनिवर्सिटी ने हमें कहा कि आप आरजी करो, तो पहले 10 में हिंदुस्तान के 10 पहले 10 में हमारा नंबर आ गया था। तो उस वक्त हमने ऑडिटिंग चालू किया कि भाई हमारे पास क्या क्या है, तो कितने टाइप के फसलें हैं, कितने टाइप के क्रॉप है, फिर उसमें कितने टाइप के स्पाइडर आते हैं, कितने टाइप के बटरफ्लाइज है। तो ये सब हमारा जो है हमें ताज्जुब वगैरह इतने हैं,
तो अभी हमारे यहाँ पे आज की जो संख्या है तो उसमें 138 टाइप्स ऑफ बर्ड्स पूरे साल में आते हैं, 57 टाइप्स के स्पाइडर्स है, 5 टाइप के फ्रॉक्स है और 51 टाइप के बटरफ्लाईज आते हैं। स्नेक्स तो काफ़ी है और स्नेक दिखा नहीं तो हमें शक होता है क्या गड़बड़ क्या है, स्नेक क्यों नहीं दिख रहा है, 2 दिन में कुछ भी एक भी सांप नहीं दिखा और आज तक किसी आदमी को सांप ने नहीं काटा है। सांप दिखते हुए किसी आदमी को सांप ने नहीं काटा है, लेबर लेबर को भी। तो क्योंकि वो हमको ज़्यादा डरता है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम डरे, और किसानों के दिमाग में यही रहता है कि मल्चिंग करोगे तो सांप आएगा, चूहा आएगा, चूहा आएगा तो सांप आएगा और सांप मुझे काट लेगा, तो ज़मीन की उर्वरकता मल्चिंग से बढ़ेगी, भूल जाएगा। और वो यहाँ पे हम लोग जो कुदरत ने गिराया है, पत्ते सूख के गिर गए तो वहीं पे जगह पे डिकम्पोज हम कर रहे हैं जो जंगल में होता है। तो ये जो मॉडल है पूरे जंगल का मॉडल है कि जंगल में जो जो हो रहा है वो हम यहाँ पे कर होने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें से सिर्फ फर्क ये है कि जंगल को मराठी में हम लोग अरण्य बोलते हैं। अरण्य में जो आदमी लगाता है, अरण्य जैसा करता है आदमी के लिए जो करता है उसको हम वन बोलते हैं, और उसमें से स्पेसिफाई जो करता है कल्टीवेशन उसको उपवन बोलते हैं। तो जिसमें अभी ये जो हमारा अरण्य उपवन है उसमें ह्यूमन बेस सब है, लेकिन ह्यूमन बेस बायोडाइवर्सिटी होने की वजह से, प्लांट के बायोडाइवर्सिटी होने से हमारे खाने में काफ़ी बायोडाइवर्सिटी है। तो इसमें काला चावल है, लाल चावल है, नीला चावल है, फाइन है, बोल्ड है, सेंटेड है, अलग अलग किस्म के है। सब एक साथ मिक्स है? नहीं, अलग 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 अलग। जो एक स्पेस रखी है हाँ, उसका जो एक 3 फीट का ये रहता है, फासला रहता है क्रॉस पोलेशन कंट्रोल करने के लिए। और ये बन जो है तो बन भी क्रॉस पोलेशन के रुकाता है। ऊपर की वैरायटी अलग है, नीचे की वैरायटी अलग है। हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि हम अगर आम का बारे में सोचेंगे तो हिंदुस्तान में मोस्टली कमर्शियल 80 वैरायटीज है आम की, जो बंगाल से ले कर गुजरात तक, और वो सब आम हमारे यहाँ भी हो सकते हैं, कम ज़्यादा होंगे लेकिन होंगे। और कमर्शियल 1400 है, तो एक बहुत बड़ा एक हमें चांस है केरल का आम लगाने का और बंगाल का आम लगाने का। केरल का क्लाइमेटिक कंडीशन का अनुसार केरल में पहला आता है, महाराष्ट्र में बाद में आता है, बंगाल में और देर से आता है। उसी तरह हमारे खेत में महाराष्ट्र का जो होगा पहले आएगा और दक्षिण और उत्तर का थोड़ी सी देर में आएगा या जल्दी आएगा। तो उसकी वजह से कंसिस्टेंसी, समझो मुझे आम खाना है तो हमारे यहाँ पे मई से लेकर जुलाई एंड तक आम रहते हैं। फिर उसमें हमने अचार के आम अलग लगाए, जूस के आम अलग लगाए और टेबल वैरायटी अलग लगाई है, तो तसल्ली जो होती है वो अच्छी तरह से हो जाती है और लोगों को अलग अलग सीज़न में आम खाने के मज़ा आता है। खाना ही नहीं खाना है और अलग बात है। तो उसके साथ में आम के साथ क्या कर लगाएंगे, तो अभी हमारे खेत में हमने आम के साथ जिमीकंद लगाया, पाइनएप्पल लगाया, हल्दी लगाई है। और जब छोटे थे आम के झाड़, 1 साल के 2 साल के, तब तक हमने बीच में चावल की खेती भी की है, बरसात में चावल, बाद में पल्सेस, उसके बाद में फिर से ऑयल सीड या पल्सेस। तो उसके वजह से आम, 2 आम के बीच में से जो ज़मीन की उर्वरकता थी वो भी बढ़ गई। तो धीरे धीरे जैसे आम बढ़ते गए फिर बीच के फसलें कम होती गई। अभी भी ये 5 फसलें तो होती है, 4 फसलें होती है, और ये साल हमने आम के ऊपर ब्लैक पेपर छोड़ी है, तो शायद वो 3 साल के बाद ब्लैक पेपर आ जाएगी। तो आम के साथ आम, ब्लैक पेपर, पाइनएप्पल, हल्दी और जिमीकंद। तो इन्वायरमेंट के कुछ गलतियों से अगर बारिश ज़्यादा आ गई या कम आ गई, सर्दी गिरी नहीं,
तो अगर राम नहीं आएगा तो भी हमें 3 फसलें तो मिलती है, तो 100% हमारा नुकसान नहीं होता है। और अगर अच्छा माहौल रहा तो सब आने वाले। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं किसानों की हम लोग आमदनी दुगनी कर देंगे, और इस तरह से जाओगे तो 5 गुनी हो सकती है। और मार्केट का जो फ्लक्चुएशन है, रेट ज़्यादा है कम होने का, उसमें से फार्मर सर्वाइव हो सकता है। तो सेम ऐसे कई जगह कई फसलों में हो सकता है कि जैसे कि अभी बारिश के एक पैटर्न चेंज हो गया, तो हमारी धान की जो खेती है वो 120 दिन की है, तो हम हमारी खेत में 110 से 130 दिन तक अलग अलग वैरायटी लगाते हैं, तो उसमें से एक गई समझो, बाकी तो मिलती है, तो मेरा पूरा नुकसान एनवायरमेंटल चेंजेस से नहीं होता है। यहाँ पे हमारी क्लास होती है। अच्छा ओके। शांति निकेतन मॉडल है कि खेत में खेती है सीखना है, तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगे उधर उधर देखता है, फिर पंछी आते हैं देखते हैं, कोई रेप्टाइल आके देखेगा, और उसका ताल्लुक एक दूसरे से कैसा समझ में आएगा। तो अभी जैसे वर्कशॉप चल रहा था, कितने कितने लोग आए थे अभी तक? नहीं, अभी जैसे था ना 1 तारीख से 7 तारीख तक। हाँ, अभी कुछ 7 लोग थे। 7 लोग थे। अभी ये जो ट्रेनिंग है कल से चालू वाला है, वो 164 ट्रेनिंग है। 164 लोग आने वाले हैं। 164 नंबर ऑफ वर्कशॉप। ओके, तो इसमें है 12 लोग। 12 लोग, तो एवरेज 10 लोगों का रहता है। ओके, फिर ये सब टिम्बर वुड है, साग का झाड़ है, कोई रोज अपना शीशम जिसको रोजवुड बोलते हैं वो है, कोई कदम्ब है, तो यहाँ पे एक अलग जंगल है, यहाँ पे खेती है। हमारे सब सीजनल फसलें यहाँ पे होती है, जो अभी इसके बाद पल्सेस होंगे, सब्जियाँ होंगी, बारिश में चावल, और इस तरफ सब जगह पे हल्दी और फ्रूट प्लांट, फ्रूट स्पाइसेस। अच्छा। और उसके अंदर भी जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पे कुछ ना कुछ, तो एम्प्टी स्पेस नहीं रहेगी। कि किसान की व्याख्या हमने चेंज कर दी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, अंग्रेज़ों के ज़माने में, और उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन में, आज भी वो है कि किसान की व्याख्या ये होती है कि जो इन्वायरमेंट में वो रह रहा है, उसकी ज़मीन जिसके प्रकार की है, वो अपने घर के लिए लगने वाली सब चीज़ें जितनी हो सके उतनी खेती से करनी है, उसके साथ वो जो इकोसिस्टम में रह रहा है, इकोसिस्टम के अच्छे होने, समृद्ध होने के लिए उसमें करना है, जैसे कि ज़मीन की उर्वरता रखनी है, सॉइल कंजर्वेशन करना है, खुद की डिमांड पूरी करनी है, और सप्लाई चेन ना होने की वजह से वो अपने खेती में या अपने गांव में सब चीज़ें बनाने का प्रयास करता था। किसी की ज़मीन अच्छी है तो वहाँ फसल आती थी, किसी के यहाँ पानी है तो वहाँ फसल और थी, लेकिन गांव की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें 80% ज़रूरतें वो गांव में फुलफिल होती थी। तो उसके वजह से हमारे चूल्हे के लकड़ी से लेके हमारे तड़के तक सब हमारे खेत में बनता था। जो नहीं बनता है या मेरे पास एक्सेस है, वो हफ्ते के बाज़ार में मिलता था, यानी इतने 50 किलोमीटर, और उसमें जो नहीं मिलता है वो कोई जब उत्सव रहता था भगवान का, वहाँ पे लंबे लंबे से लोग, व्यापारी लोग कुछ ना कुछ लेके आते थे और कुछ लेके जाते थे। तो जो हमारे घर में 10% जो ज़रूरतें है, जो यहाँ नहीं बनती, वो जत्रा में मिलती थी। तो धीरे धीरे क्या हो गया, सप्लाई चेन बढ़ गई, और दवा से लेके मुझे बुखार आ गया तो वनस्पति का काढ़ा बना के मैं पीता था और मेरे बुखार चली जाती थी। कई दवाएं घर में ही बनती थी, या गांव में कोई होशियार रहता था वो बोलता अरे ये करो ये करो ये करो, आसानी से मिलता था। क्रोसिन नहीं मिलती थी, एपीसी नहीं मिलती थी,
तो ना मिलने की वजह से सब हमारे हमें जानकारी थी और हमें हर एक जनरेशन ने आगे वो भेजी थी कि आप ये करो ये करो ये करो तो ये अच्छा हो जाएगा। जब सब मिलना चालू हो गया तब मेहनत आदमी ने कम कर दी और किसान ने आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन जो बेचा जाएगा वो लगाना चालू किया। तो आज जो सुसाइड हो रहा है उसमें से सबसे ज़्यादा सुसाइड बेचने के लिए बनाने वाले किसानों का है।